Hello everyone, so welcome to our Insta Live today. So today we are going to talk about the most hot topic. मतलब इस टॉपिक के बारे में तो मुझे डेली के 10 मैसेजेस आते हैं कि हाउ टू डील विद पोस्टपार्टम हेयर फॉल. कैसे हम पोस्टपार्टम हेयर फॉल से डील करें, क्या करें जैसे ये क्योर हो जाए. तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम एक्सपर्ट से बात करें. और हमारे साथ ज्वाइन करने वाली है द कूलेस्ट गायनेक आई हैव एवर केम अक्रॉस, डॉक्टर वैदेही. So let me add Dr. Vaidehi quickly and then we'll talk about postpartum hair fall in detail. Add Dr. Vaidehi. How are you? Hello, hi. इतना टाइम लग रहा था ज्वाइन होने के लिए तो मुझे लगा पता नहीं अब क्या गड़बड़ हो गई है. सम इशू कोई इशू चल रहा था जिसके कारण मैं आपको ऐड नहीं कर पा रही. सो आई टेल यू मतलब आप कूलेस्ट गायनेक हो आई हैव एवर केम अक्रॉस. आपका मैं अभी प्रोफाइल देख रही थी, आपने इतनी डिजीजेस और इतने इंफॉर्मेशन से अच्छे तरीके से इसको एड्रेस किया, इतने एंटरटेनमेंट से एड्रेस किया. आई एम श्योर सबको देखना चाहिए. यस बिल्कुल, सबने देखना चाहिए मेरा प्रोफाइल. जी मैं आज आपको जरूर टैग करूंगी. यू नो व्हाई? बिकॉज विमेन हेल्थ एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है. अच्छी पढ़ी लिखी प्रोफेशनल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़कियों को भी पता नहीं होता है कि उनको क्या क्या करना जरूरी है. एग्जैक्टली, मतलब और इसीलिए हमको ये सब करते रहना पड़ता है. एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिसके बारे में मुझे भी पता था. तो मैं बैठ के अभी दो तीन ही चीज देखी, बट अभी मैं बैठ के पूरा देखने वाली हूँ आपका. यस, तो चलो लेट्स स्टार्ट बिफोर वेस्ट नॉट वेस्ट मच टाइम. या आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम हेयर फॉल के बारे में. मुझे कम से कम दिन में 10 डीएम डेली आते हैं पोस्टपार्टम हेयर फॉल कैसे क्योर करें, ये क्यों होता है. एंड मैं चाहती थी कि कोई एक्सपर्ट इस पे आके अपना व्यू दे, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया है यहाँ पे. तो पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि होता क्यों है, मतलब इसका रीजन क्या है. सही बोला आपने. सो प्रेगनेंसी तो बहुत हैप्पी पीरियड होता है. उस पीरियड में प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दे आर एट देयर पीक, दे आर एट देयर बेस्ट, गिविंग देयर बेस्ट परफॉर्मेंस. सो नेचुरली आप बोलते हो ना प्रेगनेंसी में अच्छा ग्लो आता है, स्किन हेयर इतनी इंप्रूव होती है, नाइस थिक लस्ट्रस हेयर यू गेट. But because the hormones are at their peak, they are doing their best. Once the woman delivers, dheere dheere hormonal levels back to pre-pregnancy state aana shuru hota hai. And it takes about 2 to 3 months to come back to their normal levels. Aur jaise hormonal dip start hota hai, naturally jo extra support because of hormones mil raha tha, wo abhi decline hona shuru ho gaya. Aur iske wajah se most common symptom agar post-delivery koi hai to wo hai hair fall. So, जैसे आपने बोला आपको रोज के 10 डीएम्स होते हैं, मेरे पास भी जो पोस्ट डिलीवरी चेकअप के लिए पेशेंट्स आते हैं उनकी भी सबसे कॉमन कंप्लेंट होती है हेयर फॉल. बट दैट इज नॉट इमीडिएट, जनरली वो 2 to 3. एग्जैक्टली, मतलब मेरा अभी मैंने भी डिलीवर किया है तो मुझे तो कोई हेयर फॉल नहीं. कुछ अपना मामा को बोला कि मैं तो बहुत लकी हूँ, मुझे फाइनली कोई हेयर फॉल टच नहीं किया. मुझे उन्होंने बोला रुक जा, जैसे जैसे तेरा बेबी हंसना शुरू करेगा ना योर हेयर विल स्टार्ट फॉलिंग. So, वो एक लैंडमार्क है. बेबी हंसना शुरू करता है, रिस्पॉन्ड करता है, मतलब 2 to 3 months पीरियड में. उस टाइम इज नॉट बिकॉज द बेबी स्माइलिंग एट यू, बिकॉज योर हार्मोन्स आर नाउ गोइंग बैक टू देयर नॉर्मल लेवल्स. सो सबसे कॉमन कारण तो ये है कि प्रेगनेंसी हार्मोनल सपोर्ट अभी निकल गया. सेकेंड मोस्ट कॉमन रीजन है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. दो तरह की हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेबी डिलीवर हुआ है, न्यू मॉम इज वेरी बिजी टेंडिंग टू द बेबी, वो खुद को निग्लेक्ट करना स्टार्ट करती है. उसका पूरा समय बेबी को फीड करना, उसकी केयर करना इसी में जाता है. पूरे 9 months आपने सप्लीमेंट्स खाए हुए रहते हैं, पूरे डाइट पे पूरा ध्यान रहता है. अब आपको अपने तरफ टाइम देने के लिए अभी समय नहीं मिलता है. फर्स्ट 1 to 2 months तो मम्मी भी रहती है या कोई पेरेंटल सपोर्ट होता है, इसकी वजह से आपका डाइट वगैरह का अच्छे से ख्याल रखा जाता है. बस वंस यू आर ऑन योर ओन एंड बाय द टाइम हॉर्मोन्स भी डिप हो रहे हैं, एंड दैट्स द टाइम जब आपकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ऊपर मतलब उभर के आती है. मतलब आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आपका डाइट सफर होता है. सप्लीमेंट्स खाने के लिए लड़कियां थोड़ा टालती है कि अरे बहुत मैंने खा लिया मैम, अब नहीं खाया जाता. सो अच्छे से जो ना कुछ प्योर
लॉस पहला होता है कि याद भी नहीं रहता है कि हमें सप्लीमेंट्स लेना है. सो दे हैव नो टाइम फॉर देमसेल्व्स, दे आर ओनली बिजी टेंडिंग टू द बेबी एंड दे आर सो एनग्रॉस्ड बीइंग अ यंग मॉम और अ न्यू मॉम. इसके वजह से न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इज द कॉमनेस्ट रीजन, सेकंड कॉमन आफ्टर हार्मोनल सपोर्ट. थर्ड इज सर्टेन डेफिशिएंसी दैट वी नीड टू लुक फॉर. तो हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट करके, क्यों? क्योंकि थायराइड इश्यूज है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, सबसे कॉमन है एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी और विटामिन डेफिशिएंसी, मतलब विटामिन ए बी, मतलब बायोटिन, B12, विटामिन सी, विटामिन D3 एंड विटामिन ई, ये एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, इस सब की डेफिशिएंसी से सेकंड कॉमन कॉज होता है. तीसरा कॉमन कॉज है प्रेगनेंसी में जो ब्लड वॉल्यूम होता है, अपना नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम अगर 5 लीटर्स है वो कई गुना प्रेगनेंसी में बढ़ता है. सो बेटर ब्लड वॉल्यूम, अगर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम है तो नेचुरली ज्यादा ब्लड सप्लाई भी जाता है हेयर के तरफ, बट नाउ दैट ब्लड वॉल्यूम ऑल्सो गॉन बैक टू देयर नॉर्मल, सो नेचुरली रिड्यूस कम्पेयर टू प्रेगनेंसी रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाता है. देन अनदर वेरी कॉमन रीजन इन न्यूली डिलीवर्ड मॉम्स इज स्लीप एंड स्ट्रेस, दे आर नॉट एबल टू स्लीप वेल. और हम लोग देखते हैं आजकल की स्लीप ऑलमोस्ट हर एक चीज के साथ कनेक्टेड है, सो गुड स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई नो इट्स वेरी इजीयर सेड दैट डन, कि लड़कियों को बोले आप अच्छी नींद लो, पॉसिबल नहीं है. रात को बच्चा आपको जगाता है, बार बार फीडिंग के लिए उठना पड़ता है. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल बेटा. ऐसे बोलते हैं स्लीप विद बेबी स्लीप्स, वो भी पॉसिबल नहीं है. जब बेबी कितने बार वो भी पॉसिबल नहीं होता. यस, वंस द बेबी इज 2 to 3 months ऑफ एज आप अपने नॉर्मल एक्टिविटीज भी स्टार्ट करते हो, आपका जॉब स्टार्ट होता है. बहुत सारी लड़कियों को जॉब पे जाना पड़ता है या घर के काम आपके नॉर्मल शुरू हो जाते हैं. सो हम जो बोलते हैं बेबी स्लीप्स यू स्लीप, वो भी पॉसिबल नहीं होता है. एंड विद ऑल दैट न्यू कंप्लीट 360 डिग्री टर्न ऑफ इवेंट्स इन देयर लाइफ, जो कंप्लीट लाइफ साइकिल चेंज हो जाती है पोस्ट डिलीवरी, नेचुरली इट्स अ स्ट्रेस फॉर द मदर. सो ये अनदर रीजन है. फिर अपने कुछ इंडियन ट्रेडिशंस है, जैसे बहुत गर्म पानी से सिर धोना, सो एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर आर नॉट गुड फॉर योर हेयर. सो ये सब रीजन है जिसकी वजह से पोस्ट डिलीवरी हेयर फॉल होता है. तो आपने बोला जैसे कि बहुत सारी डेफिशिएंसीज है, आप कुछ नेम कर सकते हैं कौन सी डेफिशिएंसीज मेजरली ये कॉज करती है? यस, सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबसे कॉमन है. आयरन डेफिशिएंसी मतलब एनीमिक पेशेंट्स. ये पाया गया है कि इंडिया में अल्टरनेट लड़की, यंग वुमन और अ गर्ल, अल्टरनेट गर्ल इज एनीमिक इन आर कंट्री, इवन इन अर्बन सेटिंग्स. ऑन डिलीवरी में नेचुरली प्रेगनेंसी में भी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, पोस्ट डिलीवरी कुछ ब्लड लॉस भी होता है. सो नेचुरली इफ अ गर्ल इज ऑलरेडी एनीमिक और पोस्ट डिलीवरी कुछ ब्लड लॉस हुआ है तो और एनीमिक होती है. सो आयरन डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी, एक गुड हेयर क्वालिटी एंड गुड हेयर हेल्थ के लिए प्रोटीन भी उतना ही जरूरी है. इसके अलावा मल्टीविटामिन है, विटामिन ए बी, बायोटिन, विटामिन सी, D3, B12, विटामिन ई एंड ऑल एंटीऑक्सीडेंट्स. दे आर ऑल दिस डेफिशिएंसीज कैन कॉज हेयर फॉल. तो इनके लिए हम सप्लीमेंट ले सकते हैं व्हाइल वी आर ब्रेस्ट फीडिंग? डेफिनेटली सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. आप न्यूट्रिशनल डाइट करेक्शन तब तक जरूर कर सकते हैं. सो सिंपल थिंग आई टेल ऑल माई पेशेंट्स, यू नो, फर्स्ट आई टेल देम डोंट गो टू डॉक्टर गूगल. दैट्स द फर्स्ट वार्निंग आई गिव टू ऑल माई पेशेंट्स. यू आस्क 100 क्वेश्चंस इन द विजिट दैट यू कम टू मी, आई डोंट माइंड, बट डू नॉट रेफर टू डॉक्टर गूगल एंड गेट योर आंसर्स, नंबर वन. बट दिस इज ओनली वन थिंग आई आस्क माई पेशेंट्स टू गूगल, ओनली फॉर सम ऑथेंटिक सोर्सेस ऑफ फूड. मतलब अगर उनको फूड प्रोटीन रिच डाइट लेना है, आयरन रिच डाइट लेना है, तो एक बहुत लंबी लिस्ट है. अगर मैं अभी बोल भी दूं तो आप भूल जाओगे. इसलिए सिर्फ गूगल क्या करना है कि फूड सोर्सेस विच आर रिच इन आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन एंड विटामिंस. विटामिंस के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, विटामिंस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ईट द रेनबो, मतलब कलर्ड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सैलड्स. दे आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिंस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स. सो उसके लिए वो इजी है. प्रोटीन्स मैं आपको ऐसे जस्ट क्विकली बताती हूँ. अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोटीन्स तो आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलेंगे. ऑल एनिमल प्रोटीन्स, एग्स, फिश, चिकन, एक्सट्रीमली गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. बट इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन पनीर, चीज, सोया, ये बहुत अच्छे सोर्सेस है. इसके अलावा स्प्राउट्स है, दालें हैं, ये सब भी अच्छे सोर्सेस है प्रोटीन्स के लिए. आयरन रिच फूड, एवरीथिंग विच इज ग्रीन, ग्रीन कलर्ड वेजिटेबल्स, लीफी एंड नॉन लीफी बीन्स, बीटरूट, एप्पल, अनार, डेट्स, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है.
विटामिन्स तो मैंने आपको बताया, ईट द रेनबो, रेनबो डाइट लेना है। सो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आप खुद के खुद ही करेक्ट कर सकते हो। सो क्या होता है, मैं बोलूंगी हाँ आप आयरन रिच डाइट खाओ, प्रोटीन रिच डाइट खाओ, मतलब क्या करूँ, उसको टाइम थोड़ी ना है। सो हियर कम्स द रोल ऑफ अ फैमिली, मे बी इफ योर पेरेंट्स एंड योर इन-लॉज आर नॉट स्टेइंग विद यू एनी मोर, हस्बैंड्स नीड टू पिच इन, स्टॉक योर पैंट्री वेल। आपको पता है कि आपको ये सब खाना है, आपने गूगल किया है, आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिली है, उसमें से आप क्या खाना पसंद करोगे। कोई पनिशमेंट थोड़ी ना है कि जो पसंद नहीं तो भी ठूसना है, जरूरी नहीं है। तो जो पसंद है उसकी एक लिस्ट बनाओ, मेक श्योर दैट द पैंट्री इज वेल स्टॉक। तो सुबह उठ के ये नहीं होना चाहिए कि अरे यार अभी तो अंडा ही घर में नहीं, अरे अभी यही घर में नहीं, वो नहीं होना चाहिए। स्टॉक योर पैंट्री वेल सो दैट योर डाइट कैन बी वेल प्लान। थोड़ा प्रेप की जरूरत है, कुछ चीजें पहले से रेडी करके आप स्टॉक करके रख सकते हो फ्रिज में, सो दैट योर डाइट यू कैन ऑलवेज प्लान वेल। एंड आई ऑलवेज से व्हेन यू टेक योर प्लेट, वॉच योर प्लेट, आपके प्लेट में क्या है, इज माई फूड राइट नाउ दैट आई एम हैविंग, डज इट हैव प्रोटीन, यू नो गूगल से कि प्रोटीन किसमें मिलता है, सो डज इट हैव प्रोटीन, डज इट हैव कैल्शियम एंड आयरन रिच फूड, एम आई ईटिंग द रेनबो, ये सब आप खुद ही चेक कर लो। तो ये सिंपल सिंपल टिप्स है वो डाइट करेक्शन के लिए वो फॉलो कर सकती है। देन स्लीप के लिए, सो स्लीप एज वी सेड इट्स इजियर सेड देन डन, बच्चा सोएगा तो आप सो, कोशिश करो कि आप अपनी स्लीप, सो टेक हेल्प फ्रॉम योर हस्बैंड। आजकल के हस्बैंड्स काफी हैंड्स ऑन फादर्स है, अनलाइक द ओल्डन टाइम्स, सो दे कैन पिच इन, यू नो, सो यू टेक टर्न्स टू एट नाइट, सो एटलीस्ट एट अ स्ट्रेच आपको 6 आवर्स की स्लीप मिले। स्ट्रेस बस्टर्स के लिए अगर टाइम मिलता है तो कुछ मी टाइम फॉलो कीजिए, इफ यू लव टू सिंग गो फॉर अ शॉर्ट सिंगिंग क्लास, गो फॉर अ डांस क्लास, वॉट एवर यू एंजॉय डूइंग, देन सम ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, ऑल दिस विल हेल्प रिड्यूस योर स्ट्रेस टू क्वाइट एन एक्सटेंट। ये कुछ चीजें हैं हमारे न्यूट्रिशन, स्लीप एंड स्ट्रेस को मैनेज करने की। आवाज नहीं आ रही है, या बेटर कि हम कोई ऐसा एक्सटर्नल सोर्स भी, या कोई ऑयल, कोई शैम्पू, कोई सीरम। यस यस, सो लेट्स ऑल डिस्कस द एंटायर ट्रीटमेंट स्पेक्ट्रम, व्हाट यू कैन डू। सो न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर लिया है, करेक्शन विद सप्लीमेंट्स ऑफ कोर्स, उसके लिए सबसे एक मेन चीज जो एक्सेसिव हेयर लॉस है, प्लीज प्लीज गो एंड सी योर गायनेक एंड अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सो यू नीड टू सी कुछ लोकल कॉजेस हैं क्या, डैंड्रफ है क्या, और कोई डेफिशिएंसीज है क्या, वो असेस करके आपको एक प्रॉपर सप्लीमेंट लिख के देंगे जो जरूरी है। डाइट के बारे में तो हमने बता दिया, देन सर्टेन हार्मफुल हैबिट्स दैट यू मस्ट स्टे अवे फ्रॉम, जैसे मैंने बोला हॉट शावर बाथ्स, प्लीज अ बिग नो फॉर दैट। यूज आपका कुनकुना पानी यूज कीजिए शावर लेने के लिए। देन स्टे अवे फ्रॉम हार्श केमिकल ट्रीटमेंट्स इन दिस टाइम, लाइक आजकल केराटिन, स्मूथनिंग, रीबॉन्डिंग, ये सब बहुत सब लोग करते हैं, सो ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम दिस टेम्पररी हॉट स्टाइलिंग मेथड्स लाइक कर्लिंग, आयरनिंग, हॉट ब्लो ड्रायर्स, जितना मिनिमल आप ये करोगे वो अच्छा रहेगा। ये स्कैल्प कह रहे हैं, फिर शैम्पू अगर यूज कर रहे हैं तो माइल्ड करो शैम्पू यूज, उसको डाइल्यूट करो पहले और उसके बाद यूज करो। एंड देन कमिंग टू द स्कैल्प केयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज अ जेंटल स्कैल्प मसाज, एंड आई थिंक इसके लिए तुम एक्सपर्ट हो बताने के लिए कि उन्होंने कैसे क्या यूज करना चाहिए और कैसे मसाज करना चाहिए। तो बेसिकली स्कैल्प मसाज इसलिए किया जाता है कि आपका वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो एंड जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपने हेयर पोर्स के कारण अपने अंदर जाए। सो दैट्स व्हाई हेयर मसाज इज वेरी वेरी नेसेसरी इन योर पोस्टपार्टम। हमारे 45 डेज तक तुम्हारी आवाज अच्छे से नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही बराबर। एम आई ऑडिबल नाउ? सम नेटवर्क इशू। तो हमारे में तो कंपलसरी है कि 45 डेज तक डेली यू हैव टू ऑयल योर हेयर विद बादाम। इसके लिए हमारा हेयर गेन ऑयल है, इट हैज बादाम, तो आपके बालों को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएगा अंदर से। एंड देन इट हैज रोजमेरी, रोजमेरी में मिनोक्सिडाइल होता है जो जनरली ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को रिकमेंडेड नहीं होता है। तो दिस इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मिनोक्सिडाइल जो आप ऑल्टरनेटली यूज कर सकते हैं, एंड मिनोक्सिडाइल इज प्रूवन कि आपका हेयर फॉल कम होता है। So that's why basically helps in hair growth also. Yeah, it also helps in hair growth. So इसीलिए हमने उसका natural source ढूंढा है rosemary, and rosemary add किया है उस oil में, ताकि जो breastfeeding mothers है या जिनको completely natural source use करना है, कोई chemical source नहीं use करना है, वो hegan oil use कर सकते हैं and minoxidil का benefit ले सकते हैं। Yes, so perfect. So a gentle oil massage, scalp
स्कैल्प से करो, अब जेंटली करो उसको, हार्श मसाज मत करो सो यू डोंट ब्रेक द हेयर, ये हाँ ये सब कर सकते हो. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एज आई सेड, कंसल्ट योर गायनेक एंड अ डर्मेटोलॉजिस्ट, विल हेल्प यू फाइंड आउट कि क्या रीजन है और क्या करेक्शन करने की एडिशनली जरूरत है. ये तो बेसिक टिप्स है जो हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं. Absolutely. Everything should be discussed with the doctor first and then फिर हमें ये सारे treatments लेने चाहिए. And not no no taking any advice from an influencer कि मैंने ऐसे किया था, ये DIY करो please, there are many harmful, जैसे मैंने बहुत सारे influencers को देखा है कि वो lemon skin पे रगड़ने के लिए बोलते हैं. इनफैक्ट एवरी डर्मेटोलॉजिस्ट विल से कि डू नॉट डायरेक्टली अप्लाई लेमन ऑन योर स्किन, बट आप कितने DIYs और influencers को देखते हो, सो सम थिंग्स कुड बी रियली डेंजरस फॉर योर हेल्थ, सो उनको प्लीज फॉलो मत कीजिए व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ. ऑल्सो आप अपना हेयर एकदम शॉर्ट कट कर लो तो हेयर फॉल वैसे कम होगा. सो व्हेन आई से, आई ऑलवेज टेल ऑल माय न्यू मम्स, यू नो कि जैसे एक कंप्लीटली न्यू फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया तुम्हारा, यू आर नाउ फ्रॉम अ वाइफ और अ सिस्टर मदर टू अ सिस्टर टू अ डॉटर एंड नाउ यू आर अ मदर. इट्स अ बिग बिग चेंज इन लाइफ, सो व्हाई नॉट हैव सम नाइस मेकओवर. सो थिंक ऑफ अ नाइस मॉम कट. So a new mom cut will make you look so stylish and chic, you know. So it gives you a nice makeover as well, and it's very easy to manage your hair. Because these mom cuts are going to be temporary, just like your hair loss. This hair loss post delivery is also temporary. So please, all you girls who've just delivered and listening to us, do not panic. Don't get stressed over your hair loss. अगर कोई deficiency और कोई underlying cause अगर नहीं है, और just because post delivery है तो ये रिकवर होगा 100%, ये टेम्पररी है. बाय द टाइम यू सेलिब्रेट योर चाइल्ड फर्स्ट बर्थडे एवरीथिंग वुड बी बैक टू नॉर्मल. सो वो लंबा समय लगता है, 3-4 months से लेके 1 year तक, किसी का जल्दी भी होता है, बट इट्स ऑल रिवर्सिबल टेम्पररी. सो टिल देन एंजॉय योर न्यू लुक, एंजॉय योर न्यू मॉम कट, लुक स्टाइलिश एंड लुक योर बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू सो अमेजिंग. Thank you. It was nice interacting with you. We can do such small, small, short and sweet, lives so that people can get carry home tips, take home tips, which they can follow very easily. I hope मेरी जितनी भी new mommies हैं जिनको hair fall हो रहा है और मुझे DM करते हैं, उनको आपसे बहुत knowledge मिला होगा and उनको कुछ ना कुछ help हुआ ही होगा. Yes. Yes. Yes, definitely. I hope so. They can reply, they can comment here to let us know whether they found this useful and what else they would want us to talk on so that we can continue to do this. Yeah. So it was nice. Till then. Yes, you were saying something? You were saying something. Yeah. So I said till then, till they have any questions, let's all give some important message to all these girls who are listening to us. If you are a young girl, maybe up to the age of 45, don't forget your HPV vaccinations. मेरे पास लड़की कोई भी रीजन के लिए, I do not lose the opportunity to educate her about this. Cervical cancer vaccination, pre-pregnancy rubella vaccination, and confirm all your vaccinations are done. All young girls post the age of 20-25, learn self breast examination. Do it every month, 1 week after your periods. Those who are not yet married, don't forget your pre-marriage counseling. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जिसे शादी कर रहे हो उस वो पार्टनर को कुछ महीने 1-3 months प्रायर टू योर वेडिंग आप डॉक्टर के पास जाओ. इसके लिए मत जाओ कि मैडम मेरा पीरियड पोस्टपोन कर दो, प्रीपोन कर दो. ये रीजन नहीं होता है प्री मैरिज काउंसलिंग का. मेरे को कोई भी लड़की आती है तो फर्स्ट क्वेश्चन, मैम मेरी डेट है और मेरे पीरियड का डेट है. आई गेट लाइक सो बग्ड. अरे भाई पीरियड है, भगवान की देन है, क्यों उसको तुम अननेसेसरी ये कर रही हो, डिस्टर्ब कर रही हो उसको. सो नॉट फॉर दैट, बट देयर मेनी अदर थिंग्स दैट वी वांट टू लुक एट. And they should also know, young girls should also know that in future when they are planning a baby, 3 months prior to that plan, they must visit a gynec for a pre-pregnancy checkup. Okay. You should be aware, aap ek bachche ko pet, ek life ko andar aap paal rahe ho, whether you're fit to do that, if there are anything, any corrections to be done before you conceive, kuch supplements hum log dete hai. So, do teen important message hai young girls ke liye. And any woman who's about the age of 35, please, please do not forget your annual screening test. Monthly self-breast examinations, annual, once a year, sonography, pap smear, mammography. Extremely important along with your regular blood test. These are a few important messages I give in every session that I do.
कोई भी टॉपिक पे सेशन हो, ये एक मैसेजेस देना मुझे बहुत पसंद है और सबको पता होना बहुत जरूरी है. And also, if you want more info, please follow me on Gaini Sakhi. I do a lot of women's health education, so they will find my post. I'm quite sure of it. They'll find it very useful. Yes, I'll tag you after this. Please, आप उनको follow करो. वो बहुत entertaining से बताते हैं कि कौन से diseases का क्या solution है. बहुत अच्छे से sexual awareness देते हैं. Thank you. Yes. So we'll be since it's a collab, it will be this interview will be saved on your time on our profiles as well. So, जो attend नहीं कर पाए, they can go back and listen to us again. Yeah. So it was so amazing to have you here, Dr. Thank you. It was my pleasure. Thank you so much for inviting me to another session soon. Definitely. Let's have more sessions very soon. Thank you.